हेलो, आज मैं आपको छोटा सा फॉर्म दिखाने जा रहा हूँ। इनका मेंटेनेंस थोड़ा सा लूज है, लेकिन गाय की नस्ल बहुत अच्छी है। शॉर्ट फॉर्म है, छोटा सा फॉर्म है, अच्छे नस्ल की गाय है। HF क्रॉस भी है, साहिवाल क्रॉस भी है, और थोड़ा सा इनको टेक्नोलॉजी और नॉलेज का अभाव है इस डेयरी फॉर्म में। इनके पास अच्छे नस्ल की गाय तो है, लेकिन मेंटेनेंस सही से नहीं हुआ है। अच्छे अच्छे गाय हैं, बट थोड़ा देखभाल और जगह की कमी है, बहुत ही थोड़ा गंदा है। मतलब एरिया थोड़ा और चाहिए, मतलब 6 कट्ठा या 8 कट्ठा मिनिमम चाहिए इस फॉर्म को करने के लिए। और इनके पास सोने ही है, और ये हैं हम इनके फॉर्म के ओनर हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं, मतलब आपका फॉर्म को कैसे मतलब डेवलप करना है? और सर हमारा अब हिम्मत नहीं है सर, देखते नहीं है। नहीं तो आप इसमें चेंजमेंट जैसे कर सकते हैं, एक हरा चारा उत्पादन करेंगे आप, जो इतना मेहनत करके लाते हैं। नहीं है ना सर, अपना जमीन उत्पादन कर सकते हैं। तो आप बिना जमीन के आधे कट्ठा में 1 बीघा का हरा चारा हाइड्रोपोनिक सिस्टम से हो जाएगा? आपको ITB से घास कभी काटता हूँ, कभी एयरपोर्ट से घास काटता हूँ, कभी एयरपोर्ट में घास काटता हूँ। आपको काटने की जरूरत नहीं, यहीं पे अगर हो जाए, इतने में हरा चारा सबका हो जाए तो क्या दिक्कत है? ऐसा सिस्टम है जो आपको ऐसे लाना होगा, मैं उसका नॉलेज आपको दे दूंगा। और ये इनके बच्चे हैं छोटे छोटे गायों के, और ये भी डेवलप नस्ल के हैं और फीमेल है, एक तो मेल भी है, बट वेरी गुड। ये प्रॉब्लम है इनकी साफ़ सफाई और मेंटेनेंस, फीडिंग भी ठीक नहीं है, और थोड़ा मैनेजमेंट भी लूज लग रहा है। रख रखाव जो है बहुत बेकार, मतलब उतना वो नहीं है, कोई वर्कर नहीं है इनके पास, थोड़ा वो है। लेकिन ये अच्छा फॉर्म बना सकते हैं आने वाले समय में, अगर इनके अंदर थोड़ी सी शिक्षा या नॉलेज आ जाए इसके बारे में, तो पूरा चेंज कर सकते हैं। और ये है इनकी गाय, शायद देसी नस्ल क्रॉस किया गया है, HF से क्रॉस कर किया गया है गाय, और ये जर्सी से क्रॉस है, और अच्छे अच्छे ब्रीड हैं। बट इनका फीडिंग जो है सही नहीं है, इनके पास कोई दर्रा गेहूं के सिवाय नहीं देते हैं, और ये सब प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं क्या कहना चाहते हैं, इस फॉर्म को कैसे डेवलप किया जाए। और ये है इनका थोड़ा मैनेजमेंट लूज है, धोने के लिए समरसेबल और पाइप सब नहीं है, मिल्किंग मशीन नहीं है, फीडिंग में सिर्फ ऐसे लंबे घास डाल देते हैं, इनको दर्रा सिस्टम थोड़ा कम है। क्या क्या देना है फीडिंग के अंदर और कैसे डेवलप करना है, तो ये है इनका फॉर्म रियल में। और स्पेस है आपका, पीछे आपका एरिया है क्या सर? नहीं, इधर आपका कितना एरिया? सफेद है, मुर्गी है ना। हाँ, एक बोगा रंग का, हाँ इधरी है। अच्छा, बड़ा मेरा नहीं है वो, गड्ढा तक आपका है ना? नहीं नहीं नहीं, गड्ढा उड्ढा मेरा, गड्ढा के मतलब ये जो आपकी बनी है उसके सोझे तक, उसी का सीधे एक यही है। तो आप थोड़ा इसको ढंग से, थोड़ा पैसा आपने कमाया था, धीरे धीरे इम्प्रूव कर देना था। इतना सालों से आपने रखा है, लेकिन ये सब भी सही हो जाता, मतलब सिस्टम से करेंगे ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा मैनेजमेंट कैसे होता है, कैसे तो लोग मतलब कर रखा है। हमारा कुछ नहीं है, तो लड़का लोग बोलता है कि सब बिक्री करूँगा, सब बिक्री करने दीजिए, क्या करेंगे, हमारा शरीर नहीं, हम भी अपना घर पहुँच जाऊँगा ना एकदम जगह पकड़ लेगा अपने बिहार से, अपने घर सबसे बेस्ट है वहीं करिए, बस वहीं करिए अपना, बैठे बैठे वहाँ पर अपना है, जाता है। कितने गायों से शुरू किया था आपने? हमने एक गाय से शुरू किया, एक गाय से शुरू किया था। आज आपके पास कितने गाय हैं? 3, 6, 9, 10, 11, 3 को बच्चा है। कब आपने ये फॉर्म शुरू किया था? ये धर लीजिए आपको
90 का लगभग 90 में ओके करता था, मिस्त्री करता था, राज मिस्त्री करता था। अच्छा मिस्त्री करता था, एक गाय रखा रहा बच्चा लोग के लिए। हाँ हाँ हाँ, बच्चा लोग पढ़ाई वढ़ाई करने लगा। आज आपके पास 12 गाय हो गया। हाँ आज हमारे मिनिमम अगर आप सही ढंग से चलते तो 100 से 200 गाय तक हो जाता, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज के वजह से पीछे रह गए। और इसमें बहुत इनकम आपको होता, लाख रुपया मिनिमम इतने जगह में आपका इनकम होता। थोड़ा मेथड कमज़ोर है, मतलब सिस्टम जो है ठीक से अप्लाई नहीं हुआ और फीडिंग में भी ध्यान नहीं आया। ब्रीडिंग तो अच्छी है, मैनेजमेंट रख रखाव अच्छी नहीं है। कमरा जो है उसका बगल वाला है, आपको 3 टाइम हम दूधा है, कम से कम 18 लीटर दूध दूधा है। किसको? कमरा ए मेरा और उसका बगल वाला ए 18 लीटर दोनों दूध है। हम अच्छी मशीन, अच्छी नस्ल की इम्प्रूव गाय हैं, बट इनका मैनेजमेंट सही नहीं हो रहा है। और आप ही कमेंट में बताइए कि क्या किया जाए, इनको कैसे डेवलप किया जाए इस फॉर्म को। और सही बताइएगा सर, टोटल कितना इनकम होता है इससे? मतलब हमें बोला है महीने में नौकर दो ठू है, सब दे के 20-25-30 हज़ार रुपया बचत हो जाता है। ओके सर, धन्यवाद। और आपको मैं आइडिया कुछ दूंगा और उससे आप इसको डेवलप कर सकते हैं। ये तो गाय तो लोन में लिया है, 2 लाख रुपया लोन लिया है, लोन चुकती कर रहा है। क्या बोले के लोन सुन दे रहा है तो अच्छा। आपने धीरे धीरे करके गाय की संख्या काफी बना लिया। आज तो आपके पास मतलब 5 लाख 6 लाख की गाय है, 5 लाख की तो अच्छा बना लिया है। लेकिन इसका मैनेजमेंट सही से नहीं हुआ, वरना ये 10 लाख तक की प्रॉपर्टी थी सबकी। देख फीडिंग कमजोर है, मैनेजमेंट सही नहीं है, वैक्सीन नहीं लगता है, इसका बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। इसके वजह से थोड़ा रेट कम मिलेगा, नहीं तो अच्छे रेट में बिकने थे, जो 40-50 में बिकेगा और 70-75 में बिकता है एक एक, ये है। ओके आप लोग कॉमेंट में ज़रूर बताएँ कि क्या कैसे डेवलप किया जाए।